गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ तो आज हम लोग की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरग्राउंड केबल के एमसीक्यू। इससे पहले की क्लास में भी काफी एमसीक्यू डिस्कस किए गए थे, उसी के आगे आज कंटिन्यू किया जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो इसके बाद देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते थे, वो आपको नोट कराए गए थे। एमसीक्यूज आपको नोट कराए जा रहे हैं उन्हीं में आ रहा है, उसको आप सीरियसली पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे जो मकसद है वो यही है कि आप घर बैठे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें और आप घर बैठे ही इतना अच्छा पढ़ सकें जिसे पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो सके। तो मेहनत की जा रही है आप ही लोगों के लिए, तो उसमें सपोर्ट करना भी आपका ही काम है। जो लोग भी ऑनलाइन आ रहे हैं, अगर सब्सक्राइब ना कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। और अगर आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी बेल आइकन को क्लिक नहीं किया होगा तो घंटी बजाइए, उसको ऑल पर सेट करिए। अभी तो कुछ लिखा भी नहीं है स्क्रीन पे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं? देखिए, फिटर की क्लास नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए क्लास चल रही है, फिटर की क्लास नहीं होगी। फटाफट आप लोग पहले शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और बताइए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, वो आकर के ज्वाइन करें। कोई अगर आप में से ऐसा हो जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। और जो फ्री क्लासेस हैं आप ही लोगों के लिए है, तो इसमें आप लोग भी सहायता करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, फ्री में आपको पूरा टेक्निकल पढ़ाया जा रहा है, डेली जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू केबल में निम्न में से कौन सा इंसुलेशन प्रयोग होता है? केबल में निम्न में से कौन सा इंसुलेशन प्रयोग होता है? पहला है आपका इम्प्रिग्नेटेड पेपर, दूसरा है रबर, तीसरा है वार्निश्ड कैम्ब्रिक, या चौथा है इनमें से कोई भी। पहला सवाल, केबल में निम्न में से कौन सा इंसुलेशन प्रयोग होता है? इम्प्रिग्नेटेड पेपर, संक्षिप्त कागज, रबर यानी रबर, वार्निश्ड कैम्ब्रिक, या फिर एनी ऑफ अबव, या इनमें से कोई भी। अगर आप लोग ने थ्योरी पढ़ी होगी तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इससे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड रहते हैं, तो आपको थ्योरी अच्छी से आनी चाहिए। इसका आंसर क्या है? सभी यूज किए जा सकते हैं, चाहे आप इम्प्रिग्नेटेड पेपर यूज करिए, चाहे रबर यूज करिए, चाहे वार्निश्ड कैम्ब्रिक। वार्निश्ड कैम्ब्रिक क्या होता है कितने लोगों को पता है? वार्निश्ड कैम्ब्रिक क्या होता है? देखिए, कल आपको बताया गया था
कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल की क्लास करी थी? वार्निश कैंब्रिक क्या बताया था आपको? वार्निश कैंब्रिक क्या है? एक कॉटन का कपड़ा है जिसके ऊपर वार्निश की एक लेयर चढ़ाई जाती है, वार्निश की एक लेयर चढ़ाई जाती है और उस कपड़े को इंसुलेशन की तरह यूज किया जाता है। इसे वार्निश कैंब्रिक कहते हैं और इसकी सरफेस क्या होती है? स्मूथ होती है यानी चिकनी होती है और ये क्या होता है? एक इंसुलेशन की परत होती है। तो वार्निश कैंब्रिक है क्या? एक कपड़े का टुकड़ा है, एक कॉटन का क्लॉथ है जिसके ऊपर आपने वार्निश की एक लेयर चढ़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? पहला आपके सामने ऑप्शन है ब्लैक, दूसरा है ब्लू, तीसरा है रेड, चौथा है येलो। अंडरग्राउंड केबल की बात हो रही है यहां पे, अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल का कलर क्या होगा? क्या होगा? ब्लैक होता है, सभी को पता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के केबल के लिए कॉन्ड्यूट का प्रयोग होता है? निम्न में से किस प्रकार के केबल के लिए कॉन्ड्यूट का प्रयोग होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आर्मर्ड केबल, दूसरा है अनशीटेड केबल, तीसरा है पीवीसी कोटेड केबल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सवाल देख लीजिए, निम्न में से किस प्रकार के केबल के लिए कॉन्ड्यूट का प्रयोग होता है? पहला है आर्मर्ड केबल, दूसरा है अनशीटेड केबल, तीसरा है पीवीसी कोटेड केबल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कॉन्ड्यूट जो आपके घरों में जाता है, इसका आंसर क्या है आपका? अनशीटेड केबल। अनशीटेड केबल के लिए आपका कॉन्ड्यूट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश केबल का प्रयोग 132 केवी लाइन के लिए हो सकता है। डैश केबल का प्रयोग 132 केवी लाइन के लिए हो सकता है। पहला हाई वोल्टेज केबल, दूसरा सुपर वोल्टेज केबल, तीसरा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, चौथा एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। सवाल आपके सामने है, डैश केबल का प्रयोग 132 केवी लाइन के लिए हो सकता है।
डैश केबल का प्रयोग 132 केवी लाइन के लिए हो सकता है? सवाल आपके सामने है, ऑप्शन है हाई वोल्टेज केबल, सुपर वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल या फिर एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। अगर आप लोग ने थ्योरी क्लास करी होगी तो आपको पता होगा एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज का केबल 66 केवी के बाद यूज किया जाता है, 66 केवी से ज्यादा वोल्टेज के लिए एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल का प्रयोग होता है। तो यहां बात क्या कर रहा है, 132 केवी के लिए एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल का ही प्रयोग होगा। ऑप्शन है, क्वेश्चन है केबल में मैक्सिमम स्ट्रेस अधिकतम दाब कहां पर होगा? सवाल देख लीजिए, सवाल आपके सामने लिखा है केबल में मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर होगा, केबल में अधिकतम दाब कहां पर होगा। जो लोग अभी आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय याद रखें, सुबह 10 बजे पावर प्लांट की क्लास होती है और जो आपकी रात की क्लास है वो 8 बजे से है, मंडे से सैटरडे। ऑप्शन लिख लीजिए, इंसुलेशन, दूसरा है शीट, तीसरा है कंडक्टर सरफेस या चौथा है इनमें से कोई नहीं। केबल में मैक्सिमम स्ट्रेस अधिकतम दाब कहां पर होगा, इंसुलेशन पर, शीट पर, कंडक्टर सरफेस पर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों ने दिया, क्या है इसका आंसर, कंडक्टर सरफेस पर। देखिए नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी स्पीड पोस्ट नहीं किया जा सकता, तो जब हालात सामान्य होंगे उसके बाद ही स्पीड पोस्ट होगा। तो अगर आपको नोट्स के बारे में पता करना है तो व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, केबल में न्यूनतम स्ट्रेस, यहां पे पूछा था मैक्सिमम, अब पूछ रहा है मिनिमम स्ट्रेस कहां पर होता है। सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, केबल में न्यूनतम दाब, न्यूनतम स्ट्रेस कहां पर होगा। अभी ऊपर क्वेश्चन था कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर होगा, आप लोगों ने कहा कंडक्टर सरफेस, सही आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम स्ट्रेस कहां पर होगा, ऑप्शन वही 3 है आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं और इन्हीं के बीच में से ही पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका शीट पर, मैक्सिमम कंडक्टर पे होता है और मिनिमम आपका शीट पे होता है। ठीक है, मैक्सिमम एट द कंडक्टर, मिनिमम एट द शीट, मैक्सिमम कंडक्टर पे होगा और मिनिमम आपका शीट पे होगा, याद रख लीजिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको
मैक्सिमम पूछेगा तो कंडक्टर लगाइएगा, मिनिमम पूछेगा तो शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पहला है पॉलीविनाइल कार्बन, दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तीसरा है प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड, चौथा है पॉलीविनाइल क्लोरोफॉर्म। सवाल आपके सामने लिखा है पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गुड इवनिंग। कई बार कुछ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी? पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। आज से रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप में से अगर कोई ऐसा हो जो कि अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस हो और 20 मार्क्स का जो रीजनिंग आता है उसमें से 18 या 19 मार्क्स अगर आप मेहनत करके हासिल करना चाहते हैं तो आप रीजनिंग की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लास कैसे ज्वाइन करनी है इसके लिए एक पोस्ट कम्युनिटी पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ जा करके। क्वेश्चन नंबर 7 है, छाछठ केवी से अधिक, छाछठ केवी से अधिक वोल्टेज के लिए कौन सा केबल प्रयोग होगा? 66 केवी से अधिक वोल्टेज के लिए कौन सा केबल प्रयोग होगा? ऑप्शन आपके सामने है बेल्टेड केबल, स्क्रीन्ड केबल, प्रेशर केबल या फिर सभी। 66 केवी से ज्यादा वोल्टेज के लिए, 66 केवी से अधिक वोल्टेज के लिए निम्न में से कौन सा केबल प्रयोग होगा? पहला है बेल्टेड केबल, दूसरा है स्क्रीन केबल, तीसरा है प्रेशर केबल या फिर सभी। यहां पे आपके सामने तीन ऑप्शंस लिखे हैं, बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल या फिर प्रेशर केबल, इसमें से आप आंसर दीजिए। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। क्या है आपका? प्रेशर केबल 66 केवी से ज्यादा के लिए यूज होता है। केबल में
शीट का कार्य डैश होता है। केबल में शीट का कार्य डैश होता है। पहला है आपका इंसुलेशन देना, दूसरा है आपका शक्ति प्रदान करना, तीसरा है मॉइस्चर से बचाना या फिर सभी। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, केबल में शीट का कार्य क्या होता है, केबल में मेटैलिक शीट का कार्य क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं, इंसुलेशन देना, शक्ति प्रदान करना, मॉइस्चर से बचाना या फिर सभी। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं में से ही क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आपका अंडरग्राउंड केबल से क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चंस इन्हीं में से ही, पूरी चांसेस हैं कि इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जितने लोग भी अभी आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। टाइमिंग याद रखिए कि रात 8 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है और सुबह 10 बजे से हो रही है, 2 टाइम आपकी क्लास होती है। इसका आंसर क्या है आपका, मॉइस्चर से बचाना। डी आंसर नहीं है विपिन, इसका आंसर क्या है, मॉइस्चर से बचाना। इंसुलेशन देने के लिए इंसुलेशन की लेयर चढ़ी होती है और शक्ति प्रदान करना मतलब मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए आपकी आर्मरिंग की लेयर होती है। तो कंफ्यूज नहीं होइए, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। केबल में मेटैलिक शील्ड की मोटाई कितनी रखी जाती है। नेक्स्ट सवाल है आपका, केबल में मेटैलिक शीट की मोटाई कितनी रखी जाती है। ऑप्शंस है आपके सामने, 0.04 mm, दूसरा है 0.2 से 0.4 mm, तीसरा है 3 से 5 mm, चौथा है 40 से 50 mm। सवाल आपके सामने लिखा है कि केबल में मेटैलिक शीट की मोटाई कितनी रखी जाती है। केबल में जो मेटैलिक शीट होती है, केबल में मेटैलिक शीट की मोटाई कितनी रखी जाती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, 0.04 mm, 0.2 से 0.4 mm, 3 से 5 mm या फिर 40 से 50 mm। ये भी कई बार पूछा गया सवाल है और इस चैप्टर से पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या है इसका आंसर, 3 से 5 mm। जो मेटैलिक शीट होती है उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 3 से 5 mm। ये नहीं बताया था, चलिए कोई बात नहीं, मेटैलिक शीट की जो मोटाई होती है वो 3 से 5 mm होती है, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको एग्जाम दें तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिले।
नेक्स्ट है केबल को बिछाते समय यदि एक से ज्यादा केबल है तो दोनों के बीच में कितना दूरी रखी जाती है। सवाल है केबल को बिछाते समय यदि एक से ज्यादा केबल है तो दो केबलों के बीच में कितनी दूरी रखी जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर डी 100 सेंटीमीटर। ये भी नहीं बताया था, ठीक है। ये आपको जब इसका आंसर सही है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आपको लेइंग ऑफ केबल बता रहे थे तो उसमें ये बताना भूल गए थे कि जब दो केबल को बिछाया जाता है तो दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, ठीक है। जब दो केबल एक ही ट्रेंच में बिछाए जाते हैं तो उन दोनों के बीच में जो दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 50 सेंटीमीटर की। एक क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है कि 1000 केवी के लिए कौन सा केबल यूज किया जाएगा। ऑप्शंस हैं आपके सामने ऑयल फील्ड, बी है SF6 गैस फील्ड, तीसरा है रबर, वल्कनाइज्ड रबर केबल या फिर इनमें से कोई नहीं। 1000 केवी के लिए कौन सा केबल यूज किया जाएगा, ऑयल फील्ड, SF6 गैस फील्ड, वल्कनाइज्ड रबर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, SF6 गैस फील्ड केबल यूज किया जाएगा। ये क्वेश्चंस भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टाइमिंग आपकी रहती है रात 8 बजे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है केबल में कंडक्टर को मॉइस्चर से बचाने के लिए उसके ऊपर कौन सी लेयर चढ़ाई जाती है। यहां पे कंडक्टर की बात हो रही है, मतलब कोर की बात हो रही है। तो केबल का जो कोर होता है उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए उसके ऊपर कौन सी लेयर चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है आपके सामने लेड की लेयर, टिन की लेयर, प्लास्टिक की लेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। केबल में जो कोर यूज होता है उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए कोर को उसके ऊपर किस चीज की लेयर चढ़ाई जाती है, लेड की लेयर, टिन की लेयर, प्लास्टिक की लेयर या फिर इनमें से
कोई नहीं। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की, तो कंडक्टर को ध्यान में रखते हुए आप लोग बताइए, लेयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कंडक्टर की, तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका टिन, क्योंकि जो केबल है उसमें जो कोर है वो कौन सा कोर यूज किया जा रहा है, कॉपर का, और कॉपर कौन सा है आपका, एनील्ड कॉपर है, यानी ये टिन कोटेड कॉपर है, ये जो कॉपर है एनील्ड कॉपर है, और एनील्ड कॉपर आपको बताया था क्या होता है कि उस पर एक टिन की महीन सी लेयर चढ़ी होती है जो कि उसको जंग लगने से बचाती है, मॉइस्चर से बचाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, टिन है जो आप लोग बता रहे हैं वो दूसरी चीज है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है उसका मेन पूछने का मेन जो क्वेश्चन है ये उसकी वजह यही है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका कोर से रिलेटेड है, कंडक्टर से रिलेटेड है, तो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर में किस मेटल की लेयर को चढ़ा रहे हैं, लेड की, टिन की, प्लास्टिक की, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा कॉपर। आप जो यूज कर रहे हैं वो हमेशा एनील्ड कॉपर यूज होता है, और उस एनील्ड कॉपर के लिए क्या क्या करते हैं, टिन की लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल को बिछाते समय, केबल को बिछाते समय डायरेक्ट लेइंग मेथड में कितने मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। सवाल आपके सामने लिखा है कि केबल को बिछाते समय डायरेक्ट लेइंग मेथड में कितने मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आधा मीटर, एक मीटर, डेढ़ मीटर या दो मीटर। सही जवाब, डेढ़ मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आज अंडरग्राउंड केबल कंप्लीट हो गया है, और इसके जितने एमसीक्यूज थे जो पॉसिबली आ सकते थे वो सब आपको करा दिए गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल हैं और बहुत ही आसान है समझने में, जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी उन्हीं से रिलेटेड है। थ्योरी एक बार पढ़िए और उसके बाद सारे एमसीक्यूज के आंसर आप खुद ही देंगे। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और घंटी ना बजाई हो तो घंटी बजा दीजिए और उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।